Wishing you happy new year to my all Gurukulians and their respective guardians. Recently मैंने बहुत सारा IIT professors से बात किया है कुछ जानने के लिए, तो उन लोगों का कुछ information मुझसे share किया है. इतना tough entrance crack करने के बाद IIT में एडमिशन मिलता है, उसका बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है ड्यूरिंग देयर बीटेक क्लासेस. तो इनका जब रीज़न मैंने पता किया तो कुछ प्रोफेसर हमको इस टाइप से शेयर किया कि बिफोर गेटिंग एडमिशन इन बीटेक स्टूडेंट का माइंड सेटअप ऐसा होता है कि वो लोग कंफर्ट जोन में रहने का आदत होता है. दे ऑलवेज गेट अ सपोर्ट फ्रॉम एवरीथिंग. एंड फाइनली जब IIT में एंटर करता है तो वहाँ पे पूरा का पूरा सपोर्ट छिन जाता है. मतलब वहाँ जाने के बाद सब कुछ उनको अकेला करना पड़ता है. ब्यूटी क्लास में कोई भी ट्यूशन नहीं लेता है, ट्यूशन ले भी नहीं सकता है. सो वहाँ पे जिनका लर्निंग कैपेसिटी पहले से ही है वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जिनका लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, जिनको पहले एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने से हैप्पीनेस मिलता था, वो वहाँ पे जाके डिप्रेशन हो जाता है. तो मेरा काइंड रिक्वेस्ट है फ्रॉम चाइल्डहुड स्टूडेंट का ऐसा माइंड सेटअप होना है कि वो लोग सीखे, लर्न करे, कंटेंट को सीखे. ऐसा ना हो कि मार्क्स ज़्यादा मिले तो हैप्पी हो व एग्ज़ाम में मार्क्स कम मिले तो दुखी हो, ऐसा नहीं है. उनको ऐसा होना है कुछ सब्जेक्ट में, पहले भी बताया था से मैथमेटिक्स, वो लोग मैथमेटिक्स को सोल्व करके अलग अलग तरीका से सोल्व करके उनको हैप्पीनेस मिलना चाहिए. एंड उन प्रॉब्लम को दूसरा तरीका से एनालिसिस करके सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, और उस प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है दे हैव टू फाइंड. दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग. और इस तरह क्या होता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, ब्रेन डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, हेल्थ अच्छा हो जाता है, जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डेवलप्ड होता है, तो डाइवर्ट होने का चांसेस नहीं होते हैं. और एक बात मैं आपको बोलूँ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अभी देखा गया है कि क्लास 8, 9, 11, 12 में मैक्सिमम स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाता है फ्रॉम देयर ओन पाथ. द रीजन बिहाइंड इज दे हैव लो अवेयरनेस लेवल एज वेल एज लो लर्निंग कैपेसिटी. एग्जाम आ गया, सीरियसली पढ़ाई किया, मार्क्स ले लिया, बट उस नॉलेज के क्या यूजेस से उससे कोई मतलब नहीं है. सो पढ़ाई का जो पर्पस है वो कुछ और बन जाता है. सो क्लास 1 से लेकर 10 तक काफ़ी टाइम मिलता है, लॉट्स ऑफ टाइम ठीक करने का, माइंड सेटअप ठीक करने का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इम्पॉर्टेंस इन हेल्थ Dear guardian, give importance in health of your child. For that, we need balanced diet. Second one is try to develop a mental stability in your child, amongst your child. And third one is try to develop a work dignity and character dignity amongst your child. And fourth one is give उन लोग को ऐसा माइंड सेटअप दीजिए कि वो लोग लर्न करें, दे ट्राई टू लर्न द थिंग्स, देन दे विल बी हैप्पी. दे शुड फाइंड हैप्पीनेस थ्रू द लर्निंग ऑफ देयर कंटेंट. थैंक यू. जय हिंद.